नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सभी। तो आप देख सकते हैं आज का व्लॉग आपको थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि आज मैं आपको कोलकाता के निको पार्क का टूर कराने वाली हूँ। तो भाई ये टूर आपके इसलिए क्योंकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। अब मैं कहीं के पे जाकर एक्सपीरियंस करूँ और आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ, ऐसा भला हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी हूँ ट्रेन की सीसी कार में, मतलब चेयर कार में, और ये फुल एसी था। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि बाहर की तरह भी वॉइस नहीं आ रही थी। मेरा ये एक्सपीरियंस जो था कि मुझे ट्रेन पे चढ़ने की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो ये आप देख सकते हो कि जो आप मैं इस पर लग गई थी, भाई कहाँ क्या होता है, कहाँ से लाइट जलती है, कहाँ से लाइट ऑफ होती है, कौन से स्विच किस चीज़ की है, और कहीं हैंगर है या कहीं टेबल है। तो ये सारी चीज़ों पे मैं लग गई थी और मैं चेयर कार में फर्स्ट टाइम सफ़र कर रही थी। तो मुझे जानना था भाई कहाँ क्या है। अब इंडिया वालों का था कि मैंने देखा कि भाई भले ही वो एसी ट्रेन में बैठे हो, चेयर कार पर बैठे हो, उनका यह झोला पट्टा है वो छूटता नहीं। तो वो जा भले यहाँ रहते, पर हर एक के लगेज में कोई गेहूँ का बोरा लेके जा रहा था, तो कोई कुछ और चीज़ें। तो ऐसे ही चल रही थी हमारी ट्रेन की रफ्तार। और फिर बारी आई कॉफ़ी की, तो मैंने कॉफ़ी पी ली, जैसा कि आपने देखा। और फिर मैं लग गई अपने अगल बगल के सारी चीज़ों को शूट करने के लिए, वही देखो मैं कहाँ कहाँ से क्रॉस हो रही हूँ, और एक मेमोरी के लिए। अब आप सिंह भाई कैसी लड़की है, जहाँ जाती है उसी का वीडियो बना लेती हूँ। मैं भाई बना लेती हूँ और मैं देख रही थी भाई मैं लग कैसे रही हूँ। सीट कंफर्टेबल थी और विंडो सीट में मैं बड़ी खुश थी, भाई विंडो से सारी चीज़ें मैं अच्छे से ले रही थी। उसके बाद देख सकते हो मैं पहुँच गई कोलकाता, और ये है कोलकाता का रेलवे स्टेशन। अब मैं यहाँ से चलूँगी सड़क की तरफ, जो कि आप देख सकते हो ये रोड वहीं पास की है, निको पार्क के पास की। मैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन भूल रही हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकती, बट साइंस सिटी सबके आगे है। मैंने इतना मुझे याद था तो मैंने आपको बता दिया। और कोलकाता की जो आप देख सकते हो ये है निको पार्क। अब यहाँ टिकट रेट थी, अगर आप विथ पास जाते हो तो 550 रुपये, वरना 550 रुपये प्लस एंट्री फीस 300 रुपये, ये मिला के साढ़े। तो इस पूरे पार्क के चक्कर काटने के लिए आपको लगेंगे 850 रुपीज़, मतलब 850 रुपये। तो वहाँ की राइडिंग ये घुड़सवारी से स्टार्ट हुई। भाई इसमें तो बच्चे भी घुड़सवारी कर रहे थे और बूढ़े भी, और बूढ़े मीन्स हम जैसे बूढ़े और कुछ हमसे भी बुजुर्ग, मतलब 30-32-40 साल वाले आदमी। उसके बाद ये था एक भूतघर, जहाँ पे आप जाने के बाद आपको अंदर का एक्सपीरियंस मैं आपको आगे एक वीडियो लगाऊंगी, मैं आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ये मुझे नहीं बुला रही थी, आप ऐसा मत समझना कि मुझे बुला रही थी। उसमें घुसने के बाद आप देखोगे कि वहाँ पर एक आपको चारों बगल सिर्फ मिरर ही मिरर देखने को मिलेंगे, और आप भूल जाओगे कि भाई कहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है। उसके बाद ये एक झूला था जिसे मैंने चढ़ने की कतई हिम्मत नहीं कही, भाई मुझे मेरी जान बहुत प्यारी थी। और मैं जैसे मैंने इसको देखा, मैंने बोला यार क्यों जान दे रहे हो इधर चढ़ के। भाई जिनको था जान प्यारा नहीं था, उन्होंने देने के लिए वो चढ़ गए। और फिर आई थोड़े से, जैसे हम लोगों ने घूमा फिरा, देखो तो जितने सारे झूले थे मैं बहुत सारों पे चढ़ी, बहुत सारों पे नहीं चढ़ पाई। उसके बाद ये था जी वहाँ का क्या बोलते हैं इसे, आप इस पे चढ़ जाओ और पूरे पार्क का आप मुआयना कर सकते हो। साथ ही देख सकते हो आप ये, उसके बाद साथ ही आप ये रोपवे बोलते हैं, सॉरी ये रोपवे है, और रोपवे पे चढ़कर आप पूरे पार्क का मुआयना कर सकते हैं। साथ ही में एक ट्रेन भी चलती है, छोटी सी मालगाड़ी या रेलगाड़ी कह लो, उस पर चढ़ के आप पूरा घूम सकते हो। देख सकते हो मेरा कैसा मुँह हो गया है, भाई सूजा हुआ थोपड़ा हो गया था मेरा, क्योंकि ये जो सीन है ये है जब मैंने वाटर पार्क का सब कुछ इन्जॉय कर लिया था, उसके बाद मैं इस पर चढ़ी थी। और मैं जब पानी में घुसती हूँ तो मुझे कुछ और नहीं समझ में आता, मैं पानी बहुत इन्जॉय किया, बहुत मतलब 3-4 घंटे तो मैं मछलियों जैसा पानी में ऐसा मैंने तैरा है ना कि मैं। और मुझसे एक गलती क्या हुई थी जो आप कभी मत करना, कि जब भी आप वाटर पार्क के एरिया में जाओ, अगर आपके पास एप्पल है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली हो तो आपके पास एप्पल तो हो नहीं सकता है, तो आप अपने फ़ोन के लिए एक पाउच आता है वो पाउच ले लेना, वो पाउच से आप पानी में भी शूट वगैरह कर सकते हो। तो हमारे पास तो था नहीं इसलिए हम शूट नहीं कर पाए थे, बहुत कम चीज़ें हमने शूट कर पाए थे, क्योंकि मोबाइल को आपको एक लॉकर मिलता है, वहाँ अपनी सारी चीज़ों को रख दो वाटर पार्क में जाने के बाद, क्योंकि पैसे वैसे होते हैं आपके भींग जाएंगे। तो सबको एक लॉकर मिलता है, एक चाबी मिलता है, उसको खरीदना पड़ता है, उसकी कीमत होती है 100 रुपीज़। तो वो पूरे दिन के लिए आपके पास होता है, पर उसके लिए आपको चार्ज करते हैं 300 रुपये। जब इन्हें ताला चाबी आप रिटर्न कर दोगे अपने लॉकर का, तो फिर वो आपको वो रिटर्न कर देंगे वो पैसे। तो मैं इस पे चढ़ के मैंने खूब सारा घूमा, खूब इंजॉय किया। और उसके बाद अब आपको दिखाते हैं पूरे वाटर पार्क का एक झलक कि कहाँ पे क्या है। जी तो यही है वो भूल भुलैया, जहाँ पे जाने के बाद आपको हर तरफ मिरर ही मिरर मिलेंगे, और एक साइड होता है जहाँ मिरर नहीं होता, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो मैं तो ऐसे उधर जाके मुझे एंजाइटी सी होने लगी थी,
मेरे लाइफ का सबसे ये बेस्ट पैलेस था जहाँ मैं घूमने गई थी। और अगर इस दुनिया में जानना था तो यार ऐसे जगहों पर ही है, जाओ और ज़रूर जाओ। पर हाँ, फैमिली के साथ बिल्कुल मत जाना, हस्बैंड वाइफ हो तो जाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो जाना, कजन्स चले जाना, पर माँ बाप के साथ बिल्कुल मत जाना यार।